हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे चैनल सक्सेस मन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जनरल स्टडीज पेपर वन का पॉइंट नंबर 8 का पार्ट 3 हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग कर रहे थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पार्ट 1 और 2 अपलोड पहले ही कर चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी और GS4 की वीडियोस, हिस्ट्री की वीडियोस, एथिक्स की वीडियोस, ये सारी आपको हमारी प्लेलिस्ट और हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और जो व्यूवर्स पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके जो फ्रेंड्स जिसका प्री क्लियर हो चुका है, मीन्स लिखने जा रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इसका पार्ट 3। ये इसका टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। इसमें हम लोग उदारीकरण की अवधारणा, उद्देश्य, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, निजीकरण की अवधारणा, निजीकरण का क्षेत्र, इतना टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम देखते हैं वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के लाभ और आगे के जो टॉपिक्स बचे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। एक बार आप लोग ये इसका रिवीजन कर लीजिए, उदारीकरण की अवधारणा, इसके उद्देश्य, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, निजीकरण की अवधारणा, निजीकरण के क्षेत्र हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम देखेंगे वैश्वीकरण की अवधारणा। वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण को अगर हिंदी में तो टर्म काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब मतलब जो हमारा पूरा विश्व है उसके साथ मिलजुल के काम करना। अभी हम इसकी डेफिनेशन ढंग से देखेंगे। तो वैश्वीकरण, पूरे विश्व के साथ व्यापार सुनिश्चित करना, व्यापार ही नहीं बाकी चीज़ें भी। तो ये जो शब्द है वैश्वीकरण, ये 1980 के बाद से प्रयोग में काफ़ी हद तक लाया गया। 1980 से पहले पहले जो भी कोई देश पर्टिकुलर काम करता था वो अपने देश तक ही सीमित रखता था, लेकिन उसके बाद से काफ़ी ग्लोबलाइजेशन को पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद से ही विभिन्न देशों ने अपनी चीज़ें दूसरों को शेयर करना शुरू किया। तो 1980 का जो दशक था वो ग्लोबलाइजेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल दशक था। अगर हम नॉर्मली इसकी परिभाषा की बात करें तो वैश्वीकरण का जो प्रयोग है वो विभिन्न देशों के बीच व्यक्तियों, ज्ञान एवं विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं, धन आदि के प्रवाह या आने जाने के फल स्वरूप बढ़ती हुई अंतःसंबंधता के लिए किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर आ रहा है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए। किया जाने नहीं, किया जाता है यहाँ आएगा। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि जो पर्टिकुलर देश हैं काफ़ी सारे, उनके अंदर जो माइंड पावर है उसका आदान प्रदान होता है। माइंड पावर के विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसका आदान प्रदान, कोई नई वस्तु बन रही है, किस वस्तु की कमी है, कहीं सेवा की कमी है, उसका आदान प्रदान, धन का आदान प्रदान मतलब एज अ कैपिटल, एज अ फाइनेंस, धन का भी आदान प्रदान, प्रवाह उसका एक देश से दूसरे देश में, देश की यहाँ बात करेंगे वैश्वीकरण के रूप में। तो इसके फलस्वरूप जो देशों में अंतःसंबंधता बढ़ती है तो उसको हम एज अ वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वैश्वीकरण बहुत ही इजी टर्म है, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाना, वो चाहे व्यक्तियों के रूप में हो, ज्ञान विचारों के रूप में हो, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हो या धन के रूप में हो, उनसे अपने संबंध को सुदृढ़ करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के लाभ के बारे में हम बात करेंगे। तो वैश्वीकरण के काफ़ी सारे लाभ होते हैं। मेनली मैंने यह 3 पॉइंट्स दिए हैं। इन 3 पॉइंट्स के भी काफ़ी सारे सब पॉइंट्स बन सकते हैं, कैसे वो आप लिखेंगे अपने शब्दों में। ये मुझे कमेंट बॉक्स में एक आध पॉइंट्स आप ज़रूर बताएं कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर लाभ में, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। पहले जो होता था, कहीं भी वस्तुएं बनती थी तो वो अपने देश तक ही सीमित रहती थी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती थी देश तक ही सीमित रहती थी। लेकिन आज का युग ऐसा नहीं है, कोई भी नई वस्तु हो रही है, कोई सी भी सेवा का नया विस्तार हो रहा है तो वो एक देश से दूसरे देश में ज़रूर घूम रहा है, वो जा रहा है, जिससे पूरे देश के स्तर पर उस चीज़ का पता चल रहा है लोगों को। तो वैश्वीकरण का लाभ यही होता है कि जो एक वस्तु है वो एक ही जगह ना टिक कर उसका फैलाव हो, हर जगह सेवाओं का विस्तार हो पूरे विश्व में। तो यहाँ पर इसका ये विशेष लाभ होता है, ये विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है वैश्वीकरण।
और अगर विशेषज्ञता जहाँ होगी तो वहाँ उत्पादकता अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा लाभ होता है इसमें। जैसे कि प्रतिबंधात्मक अगर व्यापार किया जाता है तो इससे जो उत्पादन होता है या आर्थिक वृद्धि होती है ये पर्टिकुलर देश की बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। यही कारण कि बहुत सारी जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आयात और निर्यात की जो बाधित नीतियां होती हैं उनके कारण अपना स्तर ऊंचा नहीं कर पा रही हैं। तो वैश्वीकरण के ये बहुत अच्छा लाभ होता है कि कोई प्रतिबंध नहीं होता चीज़ों पर, आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है और उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उनको इसका बहुत अधिक लाभ होता है वैश्वीकरण का। जब वो अपने उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रयोग सुनिश्चित करके उसको दूसरे देशों में या तो अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं या उनसे अपनी उनके लिए अपने काम करने के लिए सुचारू सुविधाएं प्रदान करती हैं। लेकिन ये बहुत इजी वे का काम नहीं है, इसको फैलने में काफ़ी टाइम चाहिए, एक बार में ये नहीं हो सकता। और इसके लिए बहुत सारे विकसित जो देश है उन्होंने विकासशील देशों को हेल्प करने के लिए काफ़ी यहाँ पर काम किया है। तो इसमें मेनली यही होता है कि वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार है वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से अग्रसर किया जा सकता है। सेकेंड हमारा पॉइंट होगा पूंजी का प्रभाव, मतलब मूवमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या है, उत्पादन का जो आधार है वो जो प्रोडक्शन होता है उसका जो बेस होता है वो आप लोगों को भी पता है पूंजी होती है। तो यहाँ पर पूंजी का प्रभाव जो है विश्व की कुल बचत को उन देशों के बीच वितरण में समक्ष बना देता है। उच्चतम निवेश की जहाँ पर संभावना होती है वहाँ विकसित जो देश होते हैं अपना निवेश करते हैं, निवेश से वो अपने जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो उनसे मिलता है। तो पूंजी एक देश से दूसरे देश में प्रभावित होती रहती है। विदेशी पूंजी का जो प्रभाव है इससे पूर्वी जो एशियाई देश हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है, मतलब कि अमेरिका, चाइना और जापान जैसे देश हैं उन लोगों ने पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है जिससे उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ऊँची उठ गई है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है या तो वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में होता है या पोर्टफोलियो निवेश के रूप में होता है। अब ये पोर्टफोलियो निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है ये हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे, बाकी आपको नॉर्मली तो ये चीज़ें पता होंगी ही। तो इसके रूप में निवेश किया जाता है जिससे विकासशील जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा उन्नति कर सके। और विकासशील देशों में मेनली जो होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो किया जाता है ये प्रथम विकल्प होता है, पोर्टफोलियो निवेश यहाँ पर बाद में होता है। पोर्टफोलियो निवेश प्रत्यक्षता उत्पादक क्षमता का जो विस्तार नहीं कर पाता है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा ही हो सकता है। तो वैश्वीकरण के कारण ही पूंजी का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में बढ़ता रहता है और इससे विकासशील देशों को विकसित देशों की ओर अग्रसर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें वित्तीय प्रवाह जो होता है, पूंजी बाजार का जो तीव्र वैश्वीकरण के वर्तमान जो प्रक्रिया है उसका बहुत बड़ा लक्षण है वित्तीय प्रवाह। यहाँ पर जो पूंजी और विदेशी विनिमय का बाजार है उसके विकास के लिए संसाधन के प्रभाव को सुविधाजनक इसमें बनाया जा सकता है। आजकल जो विदेशी विनिमय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा लेन देन हो रहा है, मतलब कि अगर ऋण लेना है किसी से दूसरे पर्टिकुलर देश से तो वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और इसमें हम एक डाटा शेयर करें तो 1.5 मिलियन डॉलर प्रतिदिन तक विदेशी विनिमय बाजार हो चुका है प्रतिदिन 1.5 ट्रिलियन डॉलर। और इससे विदेशी विनिमय बाजार के कारण ही पूंजी का प्रभाव भी बढ़ रहा है और लोगों में निवेश करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है इससे वैश्वीकरण के द्वारा ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिन देशों को ज़रूरत है उनको ऋण प्राप्त हो रहा है और इससे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। तो वैश्वीकरण के काफ़ी सारे लाभ हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इसके आप सब पॉइंट्स बना के इसके पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का क्या मत है।
तो वैश्वीकरण का जब हम मेन बात करते हैं तो यहाँ विश्व व्यापार संगठन की बात की जाती है, क्योंकि वैश्वीकरण करने में इस संगठन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विश्व व्यापार संगठन को हम पर्टिकुलर एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन में अब सारे देशों ने जो पहले इसका विरोध करते थे, जो जैसे कि चीन, रूस, ये सब देश इनका विरोध करते थे विश्व व्यापार संगठन का और वैश्वीकरण होने के लिए, लेकिन अब इन लोगों ने भी इसकी सदस्यता धारण कर ली है और इसके सदस्य बन गए हैं ये लोग। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और निवेश है, इसके जो फायदा उठाना है, वैश्वीकरण को बढ़ाना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा और भी कदम उठाने की ज़रूरत है। तो भारत ने बहुत सारे ऐसे मत दिए हैं, ऐसे सुझाव दिए हैं विश्व व्यापार संगठन को। उनकी क्या मांग है, मतलब कि हमारे भारतीयों की क्या मांग है, भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो भारत की मांगों में जो सम्मिलित किया गया है, उसमें पहला पॉइंट हम बात करेंगे पूंजी एवं व्यक्तियों की गतिशीलता में सामंजस्य स्थापित करना। मतलब कि पूंजी का तो आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन साथ में व्यक्तियों की भी गतिशीलता हो, पर्टिकुलर ब्रेन का भी जो ट्रांसफर हो, माइंड इधर से उधर ट्रांसफर हो, जैसे हम बात करते हैं कि टैलेंट का भी ट्रांसफर यहाँ होना चाहिए। तो इसमें सामंजस्य होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पूंजी पूंजी का ही ट्रांसफर हो। लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो माइंड पावर है उसको भी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जा सके। सेकंड इसमें पॉइंट है व्यापार वार्ताओं में श्रम संबंधी बातों को पर्यावरण मानकों से अलग रखना। मतलब कि जहाँ पर लेबर की बात आती है और जहाँ पर पर्यावरण की बात आती है, तो ये दोनों अलग अलग रूप में यहाँ पर सम्मिलित करना चाहिए, एक ही साथ इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, इंडिया के मत के अनुसार ये मैं बात कह रही हूँ। इसमें थर्ड पॉइंट है विकासशील देशों के श्रम गहन निर्यात पर विकसित देशों में 0% लगाना। मतलब कि अगर विकासशील देश किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है जिसमें बहुत ज़्यादा श्रम लगा हुआ है, तो अगर उसका निर्यात विकसित देशों में किया जाता है तो वहाँ पर जो प्रशुल्क होता है, जो इसमें आयात ड्यूटी होती है, निर्यात ड्यूटी होती है, इसको 0 करना चाहिए, क्योंकि ताकि वो अच्छे दामों पर अपना सामान या सेवाएँ बेच सके और उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। थर्ड हम इसमें फोर्थ बात करेंगे परंपरागत ज्ञान तथा वंशानुगत या जैविक पदार्थों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब अगर हम लोग व्यक्तियों पूंजी का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे पर्टिकुलर जो ज्ञान होता है किसी एक देश का, वो बाधित ना हो, वहाँ की वंशानुगत में बाधा ना आए और जैविक पदार्थों की जो सुरक्षा है उसमें कोई बाधा ना आए, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत ने ये कहा है कि जो पर्टिकुलर उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको सुरक्षित रखते हुए यहाँ पर पूंजी और वित्तीय संबंधी निवेश करना चाहिए और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। एक पक्षीय व्यापार कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब कि सिर्फ आयात आयात हो या सिर्फ निर्यात निर्यात हो, इस टाइप की जो कार्यवाही होती है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत के अनुसार। नेक्स्ट राष्ट्रीय कानूनों एवं नियमों को देश की सीमा से बाहर लागू करने पर प्रतिबंध। जैसे कि कोई आयात निर्यात का कानून होता है या फिर ज्ञान हमें अगर किसी दूसरे देश में भेजना है और नियम होते हैं उसके, तो वो जो पर्टिकुलर नियम है उसी देश में होना चाहिए, उस देश से बाहर उसको लागू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मुक्त और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना। इसमें भी यही पॉइंट आएगा कि जो भी विकासशील देश हैं उनको विकसित देशों में अगर वो व्यापार कर रहे हैं तो उनको मुक्त और निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब एक देश को एंट्री देना और दूसरे देश को नहीं देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक देश को प्रॉपर निष्पक्ष रूप से एंट्री देनी चाहिए, चाहे वो पूंजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र में हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, निष्पक्ष एंट्री मिलनी चाहिए और निष्पक्ष अपनी भी सेवाएँ उस देश में प्रदान करनी चाहिए। ये भारत के मत के अनुसार है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विकासशील देशों के निर्यात पर विकसित देशों द्वारा प्रभावी नियंत्रण। अगर कोई विकासशील देश निर्यात करता है विकसित देशों को, तो विकसित देश को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण का मींस होता है एक पॉजिटिव वे में नियंत्रण, उस पर कोई बाधा नहीं लगानी चाहिए, प्रशुल्क नहीं लगाना चाहिए, उसको एक ऐसा नियंत्रण रखना चाहिए कि उसके पर्यावरण या श्रम को हानि ना हो, उसके ज्ञान को हानि ना हो, संस्कृति को हानि ना हो, इस हिसाब से उसको नियंत्रित
नियंत्रण में रखते हुए वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का ये मत है कि इस टाइप से हमें काम करना चाहिए। तो आज हमने इसमें तीन टॉपिक देखे। हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के लाभ क्या होते हैं और वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का क्या मत है। तो इसका अब नेक्स्ट सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दो टॉपिक रह गए हैं, तो ये हम एक और वीडियो लाकर इसे फटाफट कंप्लीट करके आपका ये टॉपिक पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 या फिर जो आप लोग कमेंट करेंगे वो पॉइंट हम शुरू करेंगे। जो आप लोगों को बुक्स में नहीं मिल रहा है टॉपिक उसको कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक हम लोग आपको समझाएंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताइए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।